हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास रीस और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास को देखेंगे बेसिकली कास्ट और क्लास ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे ठीक है तो लेट्स मॉन्ट टू आर डिफेंस पार्ट अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स से फर्स्ट कॉलम पर रिप्रेजेंट करता है कास्ट एंड सेकंड कॉलम पर रिप्रेजेंट करता है क्लास सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है जो कि अपन हिंदी में कहते हैं जाति या फिर इसे बोला है कास्ट इज ऑल्सो एज जाति अपन कहते हैं ना ये ये पर्सन ये जाति का है है ना तो अपन यही यही बेसिकली मैं रेफर करना चाह रहा हूँ ये पॉइंट के द्वारा इसलिए यहाँ पे बोला है क्लास इज ऑल्सो नो जाति एंड यहाँ पे क्लास के अंदर क्या बोला है क्लास इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड मतलब वो वो बहुत ही वो बहुत ही अमीर है वह बेसिकली वह उसका बेसिकली रिच स्टैंडर्ड है वो उसका लेवल ऑफ इंग्लिश बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश है तो ये आप यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट आता है ठीक है दैन सेकेंड डिफ्रेंस के क्या बोला है अ पर्सन बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट हैज़ टू फॉलो सर्टेन ट्रेडिशंस रॉचुअल एंड कस्टमर्स फॉर एग्जाम्पल आप ले लो जीन्स uh, मुस्लिम जो उनके बेसिकली uh, uh, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं राइचुअल्स होते हैं कस्टमर्स होते हैं वे वह फॉलो करते हैं ठीक है वे बेसिकली फॉलो करते हैं यहाँ पे फिर लिखा है अ पर्सन पर्सन जो कि वह ग्रुप से वह कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको जो उनके सर्टेन ट्रेडिशन्स होते हैं जो उनके कल्चर्स होते हैं राइचुअल्स होते हैं जिनके कस्टम्स होते हैं चाहे कपड़ा पहनना हो चाहे भगवान को प्रेयर करनी हो कोई भी चीज़ आप ले लो ट्रेडिशन तो वो फॉलो करते कास्ट के अंदर ठीक है लेकिन क्लास के अंदर क्या बोला है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ सर्टन क्लास इज़ नॉट बाउंडेड बाय कस्टम राइचुअल्स और ट्रेडिशन एक लोअर क्लास फैमिली के पास भी एप्पल आईफोन होगा अगर उनको अगर उनके मन में चाहे तो लेके आ सकते हैं और एक हाई क्लास फैमिली के अंदर भी एप्पल आईफोन होगा तो यहाँ पे बेसिकली डिफ्रेंशिएट नहीं करा गया है कि मतलब आ, आ, कि मतलब रिच क्लास के पास ही एक एप्पल आईफोन हो सकता है ठीक है ये इनकम लेवल के बेसिस पर आपको थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ताकि आ, अच्छे समझ में आ जाए ओके देन अपनी नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए है इज़ यूनिक टू इंडियन सब कॉन्टीनेंट यहाँ पे कास्ट यूनिक चीज है टू टिल द एक्सटेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेकिन यहाँ पे क्लास के अंदर क्या बोला है क्लासेस आर यूजली फाउंड इन हाईली इंडस्ट्राइज कंट्रीज लोकेटेड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका एक्सेट्रा क्लासेस अपन को ज्यादा देखने को मिलेगी जो बेसिकली हाईली हाईलीस्ट्राइज कंट्रीज रहती है जैसे कि यूरोप नॉर्थ अमेरिका एक्सेट्रा ठीक है यहाँ पे अपन को कास्ट इंडिया के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी ठीक है देन यहाँ पे अपन नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर भी बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला है सोशल गैप के बारे में तो कास्ट के अंदर क्या बोला है द सोशल गैप बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट इज वेरी वाइड एंड एंड इज नॉट हेल्दी फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ नेशन अगर दो कास्ट के बीच में झगड़े हो जाते हैं तो आपको पता है नेशन के अंदर uh, कितनी सारी न्यूज होती है कितने सारे लोग uh, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं एग्जाम्पल के बारे में मैं बता रहा हूं ठीक तो है तो इसलिए बोला यहाँ पे द सोशल गैप बिटवीन दी पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट जो सोशल गैप होता है अलग अलग पीपल्स के कास्ट के अंदर इज वेरी वाइड वह बेसिकली बहुत ही बड़ा होता है वह बेसिकली वाइड होता है विच इज नॉट हेल्दी फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द नेशन अगर कोई भी टर्मोल हो जाता है एक नेशन के अंदर तो वो प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन के अंदर बेसिकली एक एक काइंड ऑफ kind of पत्थर के रूप में काम करता है ठीक है तो एक स्टोन के रूप में काम करता है ताकि जो आई मीन बेसिकली आ, ग्रोथ होने से रुक जाता है नेशन की ग्रोथ होने से रुक जाता है ऐसे समझो ठीक है uh, क्या जो अगर सोशल गैप होता है तो वो अच्छा नहीं होता नेशनल प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन के नेशन के लिए कंट्री के लिए कंट्री के लिए लेकिन क्लास के अंदर क्या बोला है द सोशल गैप बिटवीन द पीपल बिलोंगिंगनेस टू डिफरेंट क्लासेस इज़ नैरो यहाँ पर बेसिकली जो सोशल गैप होता है ना पीपल्स के बीच में पीपल uh, की क्लासेस के बीच में तो नैरो रहता है वैन कंपेयर टू द गैप डैट इज़ प्रेवरेंट अमॉन्ग दी पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट डिफरेंट डिफरेंट आई मीन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट ठीक है यहाँ पर बेसिकली जो सोशल गैप होता है बेसिकली सिंपल डिफरेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ये दोनों पॉइंट डिफरेंस है द सोशल गैप बिटवीन कास्ट इज वाइडर और यहाँ पे क्या बोला सोशल द सोशल गैप बिटवीन दी क्लास पीपल ऑफ क्लास इज नैरो है ठीक uh, 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 है देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए कास्ट सिस्टम इज स्टैटिक एंड यहाँ पे क्या बोला दी कास्ट सिस्टम इज डायनेमिक यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम होता है वो स्टैटिक रहता है एंड यहाँ पे जो क्लास सिस्टम रहता है वो डायनेमिक रहता है आप चाहते हो इसको कैपिटल करके लिख सकते हो ठीक है यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोला है कास्ट सिस्टम वर्क एज ए पोलिटिकल फोर्स जो कास्ट सिस्टम होता है ना वे कैसे वर्क करता है वह एक पोलिटिकल फोर्स के रूप में वर्क करता है लेकिन क्लास के अंदर क्या बोला है क्लास सिस्टम डज नॉट एक्ट एज ए पोलिटिकल फोर्स जो क्लास सिस्टम होता है ना वे वह पोलिटिकल फोर्स के तौर पर एक्ट नहीं करता है ठीक है तो देन यहाँ पे क्या बोला है क्यूमोलेटिव इन इक्वालिटी इज अ डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ़ द कास्ट सिस्टम क्यूमलेटिव इनक्वालिटी एक डिस्टिंगटिव फीचर रहता है कास्ट सिस्टम का बेसिटिव फीचर रहता है इंपॉर्टेंट फीचर रहता है uh, किसका आई मीन कास्ट का लेकिन क्लास के अंदर क्या बोला है डिस्पर्स इन इक्वालिटी इज अ डिस्टिंगटिवनेस फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम बड़े लोग बड़े कपड़े पहन रहे बड़े महलों में रह रहे uh, हवेली में रह रहे छोटे लोग एक छोटे से स्पेस uh, में रह रहे जैसे कि मतलब एक कमरा भी नहीं होगा फॉर एन एग्जाम्पल ठीक है यहाँ पे बेसिकली मैं इनकम ग्रुप के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसके अंदर क्लास के अंदर देन अपनी नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है कास्ट सिस्टम हैज़ रिलीजियस कोनोटेशंस यहाँ पे बेसिकली रिलीजियस जो उनके ट्रेडिशंस रहते रैचर्स रहते कस्टमर्स रहते आई मीन कस्टम्स रहते हैं साले आई मीन वह सारे रिलीजियस कॉनटेशन के रूप में रहते ठीक कि, है लेकिन किसके अंदर कास्ट के अंदर लेकिन क्लास के अंदर क्या बोला है द क्लास सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन जो कास्ट सिस्टम होता है वह कोई भी रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है ठीक है वह बेसिकली इनकम के ऊपर बेस्ड होता है कौन कितना कमा रहा है एक्सेट्रा उनकी लाइफ स्टाइल पर बेस्ड होता है ठीक है तो यह थी बेसिकली अपने डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास